हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रीम इलेवन की न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड है। तो लगभग आप देखना आपकी आईडी में ये शो कर रहा होगा, एंड अभी कुछ कम आईडीज में शो कर रहा है, क्योंकि ड्रीम इलेवन एक ट्रायल के तौर पे ये ले रहा है। ठीक है, क्या है, कैसे हैं, क्या इसमें TDS एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फुल एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या यूज़ है और किस तरीके से हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो थोड़ी सी लेंथ होगी, एंड पूरी देखना, स्किप नहीं करेंगे तो फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब ड्रीम इलेवन ने जैसे अभी अनाउंस करा था तो उसके 20 करोड़ यूज़र्स उन्होंने बोले। ठीक है, तो 20 करोड़ यूज़र्स हैं उनके पास। तो अगर वो एक ऐसा बनाते हैं UPI पेमेंट जिसमें इतने लोग जुड़ते हैं, तो उनका वो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रायल के तौर पे शुरू हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैं पहला फ़ायदा आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि आप मल्टी आईडी चलाते हो, ठीक है, और आपके फादर या कोई दोस्त की आईडीज है जो आपका पैसा उसके अकाउंट में जाता है, और फिर आप उससे अकाउंट अपने पास लेते हो पैसा। ठीक है, तो अगर आपके पास UPI पेमेंट है तो उस नंबर पे आप UPI पेमेंट बना के वो पैसा डायरेक्ट UPI में ट्रांसफ़र कर दोगे, और UPI के थ्रू फिर आप अपने अकाउंट में ले लोगे डायरेक्ट। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे उस बंदे के अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, आप अपनी मोबाइल से भी UPI चालू करके ले सकते हो। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि ड्रीम इलेवन की पेमेंट फंस जाती है, जैसे आपने जिस अकाउंट में पैसा डाला पता चला 5 दिन लग गए, 8 दिन लग गए, पेमेंट फंस जाती है, तो UPI की पेमेंट जल्दी क्लियर हो जाती। और चूंकि ये ऐप ही UPI का है, UPI का ड्रीम एक्स, ठीक है, तो इससे पेमेंट तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी बात, अगर आप चाहो तो इससे डिपॉजिट भी कर सकते हो पैसा ड्रीम इलेवन के एक वॉलेट में, जो अपना ड्रीम इलेवन का अकाउंट होता है उसमें ऐड भी कर सकते हो पैसा, तो स्पीड में पैसा भी ऐड हो जाएगा इससे। ठीक है, ये इसके बेनिफिट थे। अब इससे अपन कैसे लेंगे, अब थोड़ा सा देखना। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे अपन ने इस पर क्लिक करा तो एक इंटरफेस ओपन होगा, इस पर आया इंट्रोड्यूसिंग ड्रीम एक्स फ्रॉम ड्रीम इलेवन। ठीक है, तो इसमें यूज़ योर ड्रीम इलेवन विनिंग्स के लिए लिखा कि यूज़ करें आप अपने ड्रीम इलेवन विनिंग को। ठीक है, अब इसके चार मेन मोटिव दिए, जैसे सबसे पहले स्कैन करें और पे एनी स्टोर पे एनी UPI पेमेंट, पे इंस्टेंट बिल्स और डिपॉजिट ऑन ड्रीम इलेवन। ठीक है, ये चार मेन मोटिव हैं जो ड्रीम इलेवन इसमें कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसमें अपना अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा TDS फुल, आप बस वीडियो पूरी देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है केवल। देखिए यहाँ लिखा गेट यूअर ड्रीम एक्स अकाउंट, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आपने ये क्लिक करा तो यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी है वो थोड़ा सा वेरीफाई करेगा। ठीक है, नाम, पैन कार्ड, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बस ये चीज़ वेरीफाई करके आपको आ जाना सीधा कंटिन्यू एग्री पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू और एग्री पे क्लिक करोगे तो ड्रीम इलेवन यहाँ से अप्रूवल भेज देगा कि हाँ आप अकाउंट बनाने के लिए चाहते हैं कि आपका ड्रीम इलेवन से ड्रीम एक्स अकाउंट बन जाए। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं अपना ड्रीम एक्स का अकाउंट खोलता हूँ, ये है मेरा ड्रीम एक्स का अकाउंट। ठीक है, ये जैसे ही आप FS में अपना नंबर डालेंगे OTP आएगा, OTP जैसे ही आप क्लिक करेंगे, OTP फिल करेंगे तो आपका अकाउंट बन चुका होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, देखिए फुल UPI, देखिए जैसे ऑल UPI पेमेंट होते हैं अपना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल, फास्टैग, गैस सिलेंडर, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ आप UPI क्रिएट कर सकते हैं ID। ठीक है, अब आपको बताते हैं कैसे और पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, और TDS कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ एक अमाउंट देखो, 348 रुपये हैगा, 348 रुपये। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं मल्टी आईडी चलाता हूँ, दूसरी आईडी थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अपना अमाउंट। ठीक है, अब मल्टी आईडीज कैसे चलाते हैं ये आप समझना है तो आप बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिए, फुल रनिंग, ऐसी नहीं कि चल रही नहीं चल रही, फुल रनिंग आईडीज कैसे चलाते। ठीक है, अब देखिए ये मेरा अकाउंट है, इसमें मेरा अमाउंट कितना है, 391,391। ठीक है, अपन विड्रॉ पे गए, यहाँ मैंने अमाउंट फिल करा 391, देखिए कितना अमाउंट यहाँ आया अपना टैक्स कटने के बाद, 348 जितना उस अकाउंट में था, ये वही अकाउंट है। तो मतलब इसमें टैक्स कटने, वहाँ जो अमाउंट शो करेगा वो आपका TDS कटने के बाद वाला ही अमाउंट शो करेगा।
उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि TDS नहीं कटेगा, वो वहाँ जो अमाउंट है वो पहले से उन्होंने ड्रीम इलेवन ने TDS काट लिया है, ठीक है। तो वहाँ TDS कटने के बाद वाला ही अकाउंट है। अब आप पैसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ दो ऑप्शन शो होने लगे। देखिए एक हो गया ड्रीम एक्स वॉलेट, क्योंकि मेरा वॉलेट बन गया है, ठीक है। एक यहाँ क्लिक है और यहाँ एक जो अकाउंट है जो मेरा अकाउंट नंबर लगा है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो देखो अकाउंट में क्लिक कर दूँ तो मेरा जो पैसा होगा वो अकाउंट में आएगा, बट अकाउंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही ड्रीम एक्स वॉलेट में जाऊंगा तो मैं जैसे ही यहाँ से विड्रॉ करूंगा तो मेरा पूरा पैसा ड्रीम एक्स के वॉलेट में चला जाएगा। वहाँ से मैं UPI पेमेंट कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा ड्रीम एक्स वॉलेट का खेल जो आप समझ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखें। तो मिलते हैं।